जब रात को सोने गए तब तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी, लेकिन जब नींद से जागे तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। रात भर में महाराष्ट्र में जो हुआ उसका सारा श्रेय अमित शाह को दिया जा रहा है। जब से महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आया है और शिवसेना ने आंखें दिखानी शुरू की, तब से लेकर अब तक अमित शाह ने चुप्पी साधे रखी थी। इस चुप्पी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस चुप्पी के बाद अब लोग अमित शाह की चुप्पी से भी डरेंगे। आपको एक बात और बता दें कि अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ वही किया जो कभी शरद पवार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए किया था। शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए 1978 में कांग्रेस पार्टी की बसंतराव सरकार को गिरा दिया था और जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी और वे खुद मुख्यमंत्री बने थे। आज अजीत पवार ने जो किया है वो शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए ही किया है। महाराष्ट्र में हुए उलटफेर के बाद सोशल मीडिया पर अमित शाह छा गए हैं और मोटा भाई ट्रेंड करने लगा है। लोग कह रहे हैं कि 5 सालों में देवेंद्र फडणवीस भाजपा को 124 से 105 पर ले आए, लेकिन अमित शाह ने रात भर में 105 को 150 में बदल दिया। अमित शाह को लेकर तरह तरह के ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं और लोग उन्हें गुरु मानकर उनको नमन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अमित शाह ने राजनीति को रोमांच से भर दिया है। तो मोटा भाई के इस खेल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।